दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है? तो फिर आपका मसला हल हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू ट्रिक साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने उर्दू मैसेज जो है वो अपनी आवाज में बोल के सेंड तो किया होगा, आपने रोमन उर्दू को रियल उर्दू में कन्वर्ट करके भी मैसेज सेंड किया होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा किया कि आप उर्दू बोलें और आपका मोबाइल फोन है उसी मैसेज को इंग्लिश में उसी टाइम कन्वर्ट कर दे? मतलब हम उर्दू बोलते जाएंगे और हमारा मोबाइल फोन जो है वो इंग्लिश लिखता जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे। अब मैं यहां पे उर्दू बोलूंगा लेकिन मेरा मोबाइल फोन जो है उसी टाइम मैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखें, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? जी हां बिल्कुल, मेरा नाम इमरान परदेसी है। ओके, तो क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूं। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप जो है अपने मोबाइल फोन में उर्दू बोलते जाएंगे, फोन खुद जो है उसी मैसेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएगा। अब यहां पे एक और कमाल की बात है, वो जानिए। चलो मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं इस मैसेज को। अब मैंने अपने मोबाइल फोन के कीबोर्ड पे सिर्फ एक बटन जो है उसको प्रेस करना है और आप जो मैसेज मैं उर्दू में बोलूंगा वही उर्दू में ये लिखना स्टार्ट कर देगा। क्या आपको उर्दू लिखने में दुश्वारी पेश आती है? कोई बात नहीं, आप सिर्फ बोलते जाएं, फोन खुद लिख लेगा। तो इस कीबोर्ड में एक और भी बहुत जबरदस्त चीज है, यहां माइक के साथ आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी बोल के वो सेव कर सकते हैं। कुछ नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं या कुछ भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद माइक पे क्लिक करके जो भी आपने लिखना है, बोलना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन लम्हों के जब उन्हें अपनों की जरूरत होती है और वो उसे दस्तियाब नहीं थे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज टेक्स्ट कलर है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर जो है ये सेम रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप WhatsApp पे मैसेज सेंड कर सकते हैं जिसको मर्जी। अगर आप Facebook या किसी और मैसेंजर पे शेयर करना चाहते हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करके वहां पे भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको गैलरी में सेव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई कैप्चर्ड इट, लेट्स चेक इट आउट इन गैलरी। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है इजी उर्दू कीबोर्ड 2018। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको कीबोर्ड नजर आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। आप इस कीबोर्ड का जो आइकन है वो देख सकते हैं, इजी उर्दू कीबोर्ड 2018 उर्दू ऑन फोटोज। उसके बाद 4.4 रेटिंग है और यहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चलिए हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो सबसे ऊपर आपको इनेबल इजी उर्दू जो है उसका ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आप मैनेज कीबोर्ड्स इजी उर्दू कीबोर्ड को यहाँ से परमिशन दे दें। चलिए इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जब आप मोबाइल फोन को रिस्टार्ट करेंगे तो आप दोबारा इसको यहाँ से ऑन करें। ओके ओके, तो बस इतना सा काम था, चलिए हम वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट इजी उर्दू, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 जो है वो कीबोर्ड पहले से है, सैमसंग का है, उसके बाद जीबोर्ड है, उसके बाद ए पावर मिरर। तो मैं यहाँ पे इजी उर्दू का जो कीबोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स बस इतना सा काम था, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे उर्दू में बात करूंगा तो कीबोर्ड जो है वो सेम लैंग्वेज उर्दू में ही लिखेगा। जी आपका क्या हाल है? अब आपको अपने मोबाइल फोन के कीबोर्ड पे इजी उर्दू का एक जो है वो टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर जस्ट एक दफा क्लिक कर देनी है। ओके, तो अब अगर मैं माइक के ऊपर क्लिक करके उर्दू बोलूंगा तो मोबाइल फोन का जो कीबोर्ड है वो इसको उसी टाइम जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा।
चले मैं माइक पे क्लिक करता हूँ। अब इंग्लिश लिखना कितना आसान हो गया है। वैसे इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं, पर कभी ना कभी जरूरत पड़ ही सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर में आपको वहां पे बोलना पड़ता है, फिर आप उसको कॉपी करते हैं, फिर आपने जिसको मैसेज सेंड करना है वहां पे पेस्ट करते हैं, फिर जाके वो मैसेज दूसरी साइड पे जाता है। लेकिन इस कीबोर्ड की वजह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिखते जाए फोन खुद ही उसको कन्वर्ट कर देगा। ओके तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।